नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 811वें दिन क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। देखिए, वर्ड मीनिंग वाले सीरीज जो है वो चल रहे हैं और साथ साथ में चलते रहेंगे, लेकिन आप जो देखने वाले हैं कि कैसे किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ा जा सकता है। अगर आप पढ़ते समय अटक रहे हैं या फिर पढ़ने नहीं आता, देखिए बहुत सारी जो पृष्ठभूमि से लोग आते हैं और कई लोग जो हैं स्टार्टिंग में पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश समझ नहीं पाता क्योंकि उनको कोई बताने का वाला ही नहीं होता है, या कहें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाई आने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। इस वीडियो में 10 लेटर वाले वर्ड जो कि के शुरू हो रहे हैं आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए जरूरी क्या है कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। दोस्तों 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, ये तो आप जानते ही होंगे। 26 लेटर किसे कहते हैं, तो 26 लेटर ए बी सी डी जो जेड तक है उसे ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है, लेकिन लोग आज भी इसे ए बी सी डी ही कह। मैं आपसे भी पूछता हूँ कि क्या इसे क्या बोलते हैं, आप कहेंगे ए बी सी डी, लेकिन इसका एक्चुअल नाम अल्फ़ाबेट है, ठीक है। इसके दो पार्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है या अटक रहे हैं या फिर फ्लो में नहीं है समझने के लिए, जैसे कि देखिए ए ई आई ओ और यू, इसे फिंगर पे आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। पांच उंगलियां हमारे हाथ हाथ में है, हाथ तो ठीक है, एक हाथ में पांच उंगलियां, तो पांचों में आप ए बी सी डी क्रमशः याद रखें, इजी हो जाएगा। लेकिन इसका उच्चारण करने का जो तरीका वो डिफरेंट है, यही लोग अटक जा रहे हैं जिसकी वजह से इंग्लिश वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए ये भॉबल है, पांच है, इसका उच्चारण करने का तरीका देखिए मैं बताऊंगा इसके ऊपर। जैसे कि ये जो है डबल ओ के साथ बात करते हैं, तो डबल ओ के साथ कुल इसका उच्चारण करने का जो तरीका है भिन्न भिन्न रूप से 23 तरह से। जी हाँ, 23 तरह से इसको आप उच्चारित कर सकते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। जैसे ए को 4 बार, ई आई को 5 बार और ओ यू को जो है 4-4 बार, डबल ओ को 5 बार उच्चारण करते हैं। लेकिन जनरल अगर ए बोल दिया जाए क्या लिखा हुआ, तो आप कहेंगे कि ए है, लेकिन ए तो है ही, लेकिन इसे और भी कई तरह से बोलते हैं। ई तो है, आई ओ यू डबल ओ तो है, लेकिन उसको उच्चारण करने का तरीका बस यही नहीं और भी है। यानी जाहिर सी बात है आप अगर 5 जान रहे हैं तो माइनस कर लीजिए इसमें से कि कितना आपको नहीं पता है, 18 और तरीके नहीं पता है कि भाई कितने तरह से बोले जाते हैं। अब देखिए जो बचता है 21, वो है हमारा कॉन्सोनेंट का लेटर, ठीक है। जैसे कि आप रेड में यहाँ देख रहे हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो है ये कॉन्सोनेंट है और इसका उच्चारण करने का भी तरीका भी आप कह सकते हैं जो 40 के आसपास कुछ एक्सेप्शन के साथ मैं बता सकता हूँ, 36 तो एकरेट हुआ है ये। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे डी को ड बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, ये लोग कम पता है। टी को ट त बोलते हैं, लेकिन च और श बोला जाता है, ये भी लोगों को कम पता है। ये सब कुछ बात है और भी बहुत सारे, कुछ साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स चलते हैं ये सब में, साइलेंट लेटर वर्ड्स चलते हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं। एक और बात कि दोस्तों कोई भी वर्ड मीनिंग जो है, पहले कॉन्सोनेंट लेटर आता है वर्ड मीनिंग में, फिर आता है वोवेल लेटर, फिर आता है कॉन्सोनेंट लेटर, फिर वोवेल लेटर, और इसी यही पैटर्न चलते रहता है तब एक वर्ड मीनिंग बनता है, ठीक है, एक वर्ड बनता है। उसी तरह कभी कभी क्या होता है कि वोवेल शुरू होता है फिर कॉन्सोनेंट पे आता है फिर वोवेल फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह से जो है पैटर्न चलता है तब एक वर्ड हो जाते हैं। तो ये जो वर्ड है कहीं ना कहीं वर्ड मीनिंग पढ़ने में अटक रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण लोग जो हमारा वर्णमाला है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन ये जो वोवेल है, ठीक है, ये जो वोवेल है, ये वोवेल आप बोलने का तरीका क्या मैंने बताया कि पाँच तरह से, ठीक है, पाँच तरह से, चार तरह से, पांच तरह से। अब कौन सा उच्चारण होगा ये तो बता पाना अगर नहीं जानते तो दिक्कत है, लेकिन कॉन्सोनेंट में क्या है, मैक्सिमम एक से दो तरह के, एक्सेप्शन में जो है तीन से चार तरह के, मतलब कि उच्चारण हो जाने टी में से चार तरह से हो रहा है, कई जगह तीन तरह से, लेकिन ज़्यादातर एक से दो तरह से, इसलिए लोग कॉन्सोनेंट को पढ़ पा रहे हैं। जैसे बी सी डी वगैरह, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो बी सी डी ये सब पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, ये सब पढ़ पा, लेकिन टी जब आ रहा है फंस जा रहे हैं, कुछ अलग से उच्चारण आ रहा है तो फंस जा रहे हैं, लेकिन ए आई ओ यू जो पास है तो आप, मेन अटकने का कारण यही है,
इसका उच्चारण नहीं जानते। चलिए आगे बढ़ते हैं और कि भाई कौन कौन से वर्ड मीनिंग कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ ये जो वर्ड मीनिंग है, तरह पूरे वर्ल्ड के वर्ड मीनिंग, वर्ल्ड में जो भी भाषाएं बोली जाती है उनका इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप इसे ऐसे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अगर अंग्रेजी के इस तरह के वर्ड आए तो कैसे पढ़ेंगे आप, है ना। तो ये चीज़ भी जानना होगी, कोई भी वर्ड हो तो कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उच्चारण क्या करना है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ, बगल में हिंदी लिख दिया गया है, लेकिन हिंदी पढ़ना यहाँ पर दिक्कत हो जाता है, बार बार हिंदी ना इंग्लिश पे ध्यान दें। कॉलोनाइज्ड, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे से ज़रूर पढ़ें, पढ़ते पढ़ते खुद ब खुद जो है दिमाग आपका इतना जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है जो पकड़ लेगा कि भाई कैसे पढ़ना है। कॉलाइनोसिस। देखिए ये बहुत इजी है, आप एक तरह तो कॉमन बात यहाँ देख रहे हैं, कॉलाइनाइट तक तो सभी में आ रहे हैं ना, नाई तक देखिए यहाँ तक, नाई तक तो यहाँ तक तो एक ही जैसे आ गए ना वर्ड मीनिंग, और यहाँ भी देखिए वो वाला चलने लगा है ना। तो ये है कॉलाइनोसिस। नेक्स्ट है कैपोसीफॉर्म, कपूरथला, कर्विनर्स। नेक्स्ट देखिए काराजियोसिस, काराकल्पक, काराकेलोंग, कारामोजोंग, कारागैंग, कराटीएस्ट, कार्डेसिस्ट, करीमनगर, कार्लोफियन, कर्माटियंस। ये हो गया हमारा पहला स्लाइड, और ये यहाँ पर आपने देखा है कि वाइस वर्ड्स हैं, ठीक है। ये वर्ड्स किस तरह से उच्चारित किए गए हैं इस पर ध्यान देना है, ठीक है, जरूरी है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे हो रहे हैं, आप ये देखेंगे आगे। उसके बाद देखिए कार्योग्रामिक्स कार्योलॉजिक कार्योगैमिक्स कार्योलाइसेस कार्योलाइसिस कार्योलाइटिक कार्योप्लास्म कार्योसोम्स कार्योटाइप कार्योटाइप्स कार्योटाइपिक कशुबियंस कशिमोवियन। ये हुआ दूसरा स्लाइड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं काटाबोलिज्म। यहाँ देखिए वो नहीं है, काट दीजिए, काटाफैटिक, काटाकलिस, कॉफमंस, कॉट स्काइट्स, कवन नॉग्स, कजागेट, कजाकनेस, कजाकस्तान, कजानजियन। नेक्स्ट देखिए कजाटस्कीज, काजिलियंस, कैबनेकैसे, किलहेलिंग, किलहॉल्ड, किललेवेंस, किलिवाइंस, किन्नेसेस, किपलेस, किपसिप,
किसोंडेन, किसोंडेन। तो ये है दोस्तों कैसे पढ़ना है, यहाँ पर ये आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं कि कैसे इंग्लिश पढ़ना सीखना है, तो बस करना है ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल पे टाइप कीजिए और बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे और डे वन से वीडियो। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पूछ पढ़ने आता तो आपको चिंता नहीं करना है, आप सीखेंगे पढ़ना लिखना अगर करेक्ट सीखना है तो भी, और बोलना सीखना चाहे तो भी, दोनों एक ही पार्ट है। हालांकि बोलने के लिए न तो पढ़ने की आवश्यकता है न तो लिखने की आवश्यकता है, बोलना एक अलग ही पैटर्न है, एक अलग ही प्रक्रिया है, चाहे कोई भी लैंग्वेज है। सब कुछ सीखेंगे विद ईजी स्टेप, ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है ना मोटर डिक्शनरी खरीदना है, क्योंकि अगर आप जो भी बोलते हैं जैसे ही बोलते हैं है ना, तो क्या उसके लिए आपने क्या ग्रामर की बुक्स ली या कोई मोटर डिक्शनरी खरीदा कि हाँ भाई ये वर्ड है ये वर्ड ही याद करना है? नहीं, आपने सुन सुन कर, जी हाँ मिमिक्री कर कर कह सकते हैं, बचपन से आपने सीखा है और ये सुनते सुनते होता है, बोलते बोलते होता है। तो इसके लिए बोलने का एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन करेक्ट वे बोलना है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो वर्ड्स की आपकी ज़रूरत होगी, और वर्ड मीनिंग, यहाँ पर वर्ड मीनिंग के लिए डिक्शनरी की भी ज़रूरत नहीं है। जो डेली जो बेसिक वर्ड हैं उसको भी मैंने बहुत सारे वर्ड जो कि देख ही रहे हैं आ रहा है रेगुलर, तो बस करना क्या एक A4 साइज कॉपी ले लीजिए और उस पर सारे वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर लिखते चल, लिखते समय फिर बोल बोल के लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दोस्तों अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखे ये वाले पार्ट। तो चलिए अब देखिए जो वर्ड जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट बहुत ही कह सकते हैं अमेजिंग है, क्योंकि ऐसे टेक्स्ट को पढ़ना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें एक वर्ड नहीं, एक पैटर्न नहीं, बल्कि अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग वर्ड्स को लिया गया है। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड की। पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होते हैं? जैसे कुछ तरीके हैं, कुछ शॉर्टकट तरीके कह सकते हैं, जिसको अगर आप पकड़ लेते हैं को याद कर लेते हैं तो पढ़ना आपके लिए तेज़ी हो जाता है, मतलब कि आसान हो जाता है। और जिन जो अटक रहे हैं, जिन जो फास्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, फ्लो नहीं है, उनके लिए भी तो पार्ट्स ऑफ वर्ड की यहाँ चर्चा होगी। बार बार मैं सर्कल कर लूँगा, सर्कल में आप देखेंगे कि आप दूसरे टेक्स्ट को उठा कर देखिए कहीं भी इस वीडियो के बाद, देखेंगे बार बार यही सब रिपीट हो रहा है ना, तो उस पर भी बात हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कैसे पढ़ना है। हालांकि इसके बारे में अलग से बात फिर से करेंगे, चूँकि चलेगा आगे से, तो पहले प्रैक्टिस वाला सेट हो रहा है, फिर आधा में जो है आपको दिमाग में आपके जो जो बहुत सारे इंग्लिश को पढ़ने को लेकर इंग्लिश के प्रति जो भी क्वेश्चंस हैं वे सब क्वेश्चंस हमारे जो मैं बात करूँगा उसमें आपके बहुत सारे जवाब मतलब जो प्रश्न है उसके उत्तर मिल जाएंगे। तो ये क्या लिखा हुआ, हिंदी है, अब बताइए हिंदी का, या हिंदी लिखा हुआ हिंदी का, हिंदी में जो नाम होते हैं इंग्लिश लिखा गया, कैसे लिखेंगे कैसे पढ़ेंगे? उसके लिए कुछ स्वर और व्यंजन दोनों का मतलब हिंदी और उसका अंग्रेजी भी याद करना होगा, तभी तो इस तरह पढ़ना। जैसे यहाँ लिखा अमृता, क्या लिखा अमृता, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अनफेलिंगली, अनफेलिंगली मीट्स एंड इवन, ई एन क्वेन बोलते हैं इवन एक्सीड्स द पारा, यहाँ पर ई छूट गया है, पारामीटर्स दैट मेजर्स, इसको यहाँ जाए बोलते हैं मेजर्स, क्योंकि यू को आ बोला गया मेजर्स दैट दैट परफॉर्मेंस, देखिए ई आर पर बोलते हैं, पी लगा तो पर हो गया, जो भी लगा दीजिए वो हिसाब से वो ढल जाता है, तो परफॉर्मेंस, ए एन सी को एंस बोलते हैं, एम लगा तो मेंस हो गया, एस हो गया, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सेलेंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, देखिए एक्सेलेंस इन टीचिंग एंड रिसर्च, मोस्ट रिसेंटली नैक एंड आउटोमोनस, ओ यू एस को अस बोलते हैं, एक्रेडिटे, ये देखिए सन, ये सन है, बार बार ये रिपीट होता है, एक ही जगह नहीं कई बार, जैसे यहाँ एक्रेडिटेशन में हो गया, एक्रेडिटेशन में हो गया, उसी तरह एडुकेशन में आप सन यहाँ देख रहे होंगे, कई जगह मिल जाएगा, या इंटरनेशनल में यहाँ देखिए सन है, एडिशनल में यहाँ देखिए सन है। तो क्या मैंने यहाँ आपके लिए थोड़ी अला, ये बल्कि खुद ब खुद आते रहते हैं, अनेकों बार आएंगे, कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे हर जगह। जैसे ये देखिए सी यू, जो शुरू में सी यू एन कन आए इसको बोलते हैं प्रीफिक्स वर्ड, और लास्ट में जो अगर आता है ना, जैसे एल वाई यहाँ पर इसको बोलते हैं सफिक्स पार्ट, है ना। तो ये है ई एन टी एंट, इसको भी पढ़ सकते हैं सफिक्स के रूप में, टी लगा तो टेंट हो गया। चलिए आगे देखिए ए जेन सी, ई एन क्वेन बोलते जी लगा जेन, एजेंसी ऑफ यू जी सी,
वो सिंगल सिंगल अगर लेटर लिखा रहे कैपिटल में तो उसको सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। हैज ग्रांटेड, टी डी को टेड बोलते हैं, ग्रांटेड अमृता एंड ए प्लस प्लस ग्रेड, ए के बाद ई आए तो ये क्वेश्चन एक रुपये में होता है, द हाईएस्ट इट कैन ऑफर अलॉन्ग अलॉन्ग साइड इन द NIRF rankings adopted, TED को बोलते टेड, adopted by ministry of education, TN को बोलते शन education, अमृता has consistently found, ओ यू एन डी को बोलते आउंड, एफ लगा था फाउंड, आर अगर देखिए एफ का जगह कर देते सिर्फ आर तो राउंड होता, जी आर कर दे ठीक है, जी आर कर दे तो ग्राउंड हो जाता है, पी कर दे तो पाउंड हो जाता है, कई वर्ड मीनिंग बन जाते हैं। जी हाँ करके देखिए आप, आ अमाउंग ओ एन जी को अंग बोलते हैं, एम है तो अमाउंग एस लिख देखिए क्या होगा, सॉन्ग हो जाएगा ना, बहुत सारे वर्ड मीनिंग बन जाएंगे। द टॉप टेन यूनिवर्सिटीज आई एस को इज बोलते हैं, यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एवरी ईयर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स एडिशनली अमृता हैज ऑल्सो विन द रैंक्ड हाई बाय द वेरियस ओ यू एस को बोलते हैं वेरियस इंटरनेशनल एल को इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज आई एस को इज बोलते हैं एजेंसीज लाइक द टी एच ई द यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे याद रखेंगे क्यू एस टी एच ई द नहीं बोलेंगे क्योंकि सिंगल सिंगल टी एच ई क्यू एस ATC the reason why such a young UNG को अंग बोलते हैं young हो गया university performs at par with well established legacy universities IS को बोलते हैं university is easy to find it lies in the core of our founding आई एन जू किंग बोलते हैं फाउंडिंग वैल्यूज एडुकेशन ठीक है एडुकेशन हो गया फॉर लाइफ एंड एडुकेशन फॉर लिविंग एंड द अनमैच्ड एक्सेंट ई एन टी को एंड बोलते हैं एक्सेंट वी प्लेस एक बाद ही आया वी प्लेस ऑन कंपैशंस ड्राइवन रिसर्च। इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीखिए और इस वीडियो के बाद देखिए, और नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 वीडियो हमारे जरूर इस तरह के देखें कम से कम, और फॉलो करते रहें आपको सीखने को मिलेगा। अब देखिए अगर हॉबीज को अपने दिमाग में रखना है तो कैसे रखना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए ए है ई है आई है ओ है यू है डबल ओ है। अब क्या ए को सिर्फ ए नहीं पढ़ना है, यहाँ पर याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ कैसे कैसे क्या करना है ताकि आपको क्लीन हो जाए। जैसे ए जब भी आए तो ए को ए नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ए को अ आ ए आई पढ़ेंगे, ई को अ आ ई ई ए पढ़ेंगे, आई को अ आ ई ई आई पढ़ेंगे, ओ को अ आ ऊ ओ, यू को अ आ ऊ ई यू, डबल ओ को अ आ ऊ ओ ऊ। अब इस तरह से याद करने के लिए मिल जाए तो बहुत कठिनाई होगी, डिफिकल्टी होगी, तो तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का याद करने का, तो सभी भोवेल में तो दिमाग में रखने भोवेल कौन कौन से हैं, सभी भोवेल को अ और आ उच्चारण तो करेंगे ही करेंगे, एक बात कन्फर्म रख लीजिए। फिर ई और आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो अब क्या हो जाता है, ई को जो है आई आई को आई उच्चारण करेंगे, ओ यू डबल ओ में जो है ओ को रखेंगे यानी कि अ आऊ 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 इस तरह से याद करेंगे है ना, बाकी यू को तो यू ओ को आई को आई और ए को ए तो बोलते ही हैं। चलिए अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है, तो पहले क्या करना है कि आप 100 से एक कॉपी में जो जैसे मैंने बताया शुरू में कॉपी ले लीजिए 100 से 150 वर्ड मीनिंग कलेक्ट करना, वैसे वर्ड मीनिंग जिसका उच्चारण और स्पेलिंग आपको पहले से पता हो। अब भाई उच्चारण तो पता हो सकता है स्पेलिंग नहीं पता, तो उसको सर्च करके लिख लीजिए भाई कहाँ से या कहीं देखिए क्या आता है, जैसे कप कार टॉय है ना ट्रेन बस ये सब क्या है, अब वर्ड मीनिंग तो है बेसिक है कुछ भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ से क्या लेना है और सीक्वेंस में लेने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने क्या किया है कि ए से ई से आई से ओ से यू से डबल ओ से लिया, आप कहीं से कोई वर्ड मीनिंग लेकिन उच्चारण एक साथ सब सही भोवेल का होगा, लेकिन यहाँ सेपरेट सेपरेट मैं ए ई आई ओ यू डबल ओ का अलग अलग तरह से पढ़ने का तरीका बताऊँगा आपको, मिक्स क्या करें
मिक्सअप करके पढ़ना है। प्रैक्टिस तो होगी वैसे ही जैसे कि मैंने सुनो बताया था वो, तो 100 से 150 वर्ड मीनिंग लीजिए और सभी को जो है क्या करिए, सिंपल तरीका है कि सभी में आप जो है सभी वर्ड मीनिंग को 10 दिनों में, जी हाँ 10 दिन में आपको प्रैक्टिस करना है 150 वर्ड मीनिंग को, यानी 10 से 15 वर्ड मीनिंग लीजिए रोज कॉपी पे लिख लेने के बाद। और प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे कि आप जो हमारा है एक और चाणक्य से लिख लेना है, जैसे इस वर्ड मीनिंग में ये कंपनी लिखा हुआ है, सभी कोई को पता है भाई, चाहे कोई भी पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा हो सभी लोग जानते हैं कंपनी एक वर्ड होता है। इसका हिंदी शायद लोग नहीं कर पाएंगे, कंपनी को क्या बोलते हैं, कंपनी का हिंदी क्या होता है आप बताइए, मुझे भी पता नहीं है शायद। तो कंपनी जो है एक हिंदी की तरह यूज, लेकिन है तो इंग्लिश वर्ड। अब इसमें ओ भी है, ठीक है ए भी है, ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है, लेकिन यहाँ ओ का यहाँ पर चर्चा होगा, और ए का उच्चारण क्या हुआ, कंपनी में एक उच्चारण अ हुआ, यहाँ अ है ना। सॉल्ट में एक उच्चारण क्या हुआ, तो आ हुआ, यहाँ आ है। केयर में एक उच्चारण क्या हुआ, तो ए है ना। मात्रा चिन्ह से ही पकड़ना होगा, मैप में एक उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए है। लिखा रहा तो इस तरह से, नहीं लिखा तो उच्चारण आपके जवान पे क्या आ रहा है उसको देखिए। ई वाला देखिए, परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, जो कि यहाँ पर है। प्रीफिक्स में 2 ई है, पहला ई का छोटी के रूप में, दूसरा ई का बड़ी के रूप में, कुछ भी कर सकते हैं। टेन में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ। एस आई आर सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो अ के रूप में। एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो छोटी के रूप में। टी आई टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो बड़ी के रूप में। एल आई एन ई लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आई के रूप में लाइन। एस एन सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में हुआ सन। ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में। एम डबल एन मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ के रूप में। मोटो में एक ओ है, तो यहाँ ओ के रूप में, दूसरा ओ है जो ये दोनों ओ ही के रूप में। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण अ के रूप में हुआ, बट ब्यूटी प्यूट में यू का उच्चारण जो ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण किया हुआ, तो ई यू के रूप में ट्यून। एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में हुआ फ्लड। एल डब्ल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, ओ हुआ लुक। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, जी हाँ पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे पढ़ना है। अब देखिए वर्णमाला का पहला पार्ट जो कि अब हिंदी पे आ जाते हैं, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश सीखना है तो बिना हिंदी के तो आप इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। तो वर्णमाला का पहला पार्ट और स्वर संख्या 14, यहाँ उच्चारण मात्रा चिन्ह और अंग्रेजी के बारे में बात होगी। तो देखिए उच्चारण है अ आ ई ऊ री री, ठीक है। अ का अंग्रेजी ए, आ का डबल, आ का डबल ए या सिंगल ए, कोई भी उच्चारण कर सकते हैं। छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी का डबल ई। उच्चारण भी करेंगे, लिखना भी सीखेंगे। अब देखिए यहाँ ए ए ओ औ अन अ, ए का मात्रा चिन्ह ये हुआ, मात्रा चिन्ह यहाँ पर समझिए, अगर कोई मात्रा चिन्ह होता आकार का ये हो जाता है। छोटी करके इस तरह से, बड़ी करके ये है, छोटी करके ये, बड़ी उकार का, री का ये है, बड़ी री का ये है। ए का ऐसे है, ए का 2 ऊपर हो गया, ओ का 1 ऊपर 1 नीचे होता है, औ का 2 ऊपर 1 नीचे हो गया, अन का ये हो गया, और अ का यहाँ पर हो गया। ए का क्या बोला, ई आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अ का एच। ये 3 जो है लास्ट वाला, 3 को बहुत ही सावधानी से याद रखना होगा, क्योंकि अक्सर लोग इसी में कन्फ्यूजन होता है। अब वर्ड मीनिंग मात्रा चिन्ह को अगर कैसे पढ़ेंगे, अगर अ से लेकर अह तक आएगा तो उसके अनुसार इंग्लिश तो लिख देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये मात्रा चिन्ह रहते हैं अ अ नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए नाम ले लेते हैं कृतिका, कृतिका मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं री है, जो कि यहाँ पर है, री का अंग्रेजी आर आई होगा। ईकार है, इसका हो जाएगा आई। आकार है, इसका हो जाएगा डबल या सिंगल ए। लिखे हैं क्या कृतिका का, तो के से क होता है ना, री का आर आई हो गया, टी आई फिर के ए, कृतिका, ये हो गया कृतिका, ऐसे लिखेंगे ना कृतिका। तो चलिए अब आगे बढ़ जाइए। व्यंजन, यहाँ सो व्यंजन है 36, और किसी भी एक व्यंजन को उठाकर उसमें कोई भी एक स्वर जोड़ दीजिए, 14 में से कोई एक को जोड़ दीजिए, तब वो बन जाएगा हमारा अक्षर। क्या बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा। अब अक्षर क्या होते हैं ये समझिए, ये क्या लिखा हुआ, ये सारे के सारे हलन दिख रहे हैं, सारे के सारे आधे अक्षर हैं, या कह सकते हैं कि व्यंजन है। अब ये अक्षर कैसे बनते हैं ये समझिए, अगर आप समझ चुक जाते हैं कि अक्षर कैसे बनते तो ईजी है पढ़ना, क्योंकि ये नीचे भी इंग्लिश जो लिखा है वो भी आधे अधूरे ही हैं। ये सब इंग्लिश जो है
ये आधा अधूरे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ये व्यंजन आधा क, इसे मैंने लगा दिया अ, तो हमारे पास एक अक्षर आ गया क का, इसमें कोई हलंत नहीं लगा है, मैंने लगाया भी नहीं है, तो यह है व्यंजन, यह स्वर, यह अक्षर। अंग्रेजी क्या होगा, क का होता है के, तो के लिख देंगे और प्लस अ में ए लगा देंगे, तो हो जाता है इस तरह था के ए क, लीजिए ऐसे लिखेंगे क। तो कोई भी किसी का नाम लिखना तो इसी तरह का फॉलो करके आपसे समझ बूझ कर लिखना होगा। इसके लिए एक वीडियोज़ भी है हमारे टॉप 10 में, आपको मिल जाएंगे कैसे लिखना है नाम, उसमें भी देख सकते हैं आप। तो चलिए देखिए, ये संस्कृत के शब्दों के लिए अंगा का, अंगा में आते हैं संस्कृत शब्दों में, यहाँ आते हैं, और ये अक्षर तरह गया जो संयुक्ताक्षर, इसको भी लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो आप इसे अच्छे तरह से याद रखें। दूसरी बात कि अब चलते कॉन्सोनेंट पे, तो अल्फ़ाबेट तो आपने देखा ही, इसमें से ए ई आई ओ और यू, इसको हटा देंगे तो जो बचेगा वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। यहाँ पर ये बताने का बात इसलिए क्योंकि यहाँ चर्चा होगी उच्चारण क्या होता है। तो देखिए बी को क्या बोलते हैं, तो बी को ब बोलते हैं, सी को क श, डी को ड द, एफ को फ, जी को ग ज, जी एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प। स्क्रीन शॉट लेके लिख लीजिए आप, क्यू को क्यू, आर को र ड, एस को स ज, टी को ट, तो बोलते हैं चसा भी बोलते हैं चसा, वी को व व, डब्ल्यू को व, उसके बाद से एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज ज। देखिए ये जो है सी से क भी होता है, श भी होता है, तो सी ई से स होता है, के से भी क होता है, और क के लिए और कितने स्पेलिंग हो सकते हैं, तो सी के होता है, फिर क्यू होता है, फिर क्यू यू ई होता है, फिर सी एच होता है, चार इधर दो ये छः हो गया। ज भी पांच जगह यूज होता है, जैसे कि डी को डाला तो बोलते हैं ज भी बोलते हैं, एक ज ये हो गया, दूसरा ज यहाँ हो गया, तीसरा ज ये हो गया, चौथा ज यहाँ पर हो गया, और पाँचवा जेड क्या हुआ, पाँच ज भी हो चार जा। जैसे डी में कैसे जैसे ग्रेजुएट, अपने वर्ड में नहीं सुना होगा ग्रेजुएट, ठीक है ग्रेजुएट होता है जी आर, जी आर ए डी यू ए टी ई, ग्रेजुएट में, ग्रेजुएट में डी को ज उच्चारण होता है ना। तो चलिए एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, एक्स को या कभी कभी वर्ड विंग ई एक्स से स्टार्ट हो तो उसको भी एक्स बोलेंगे या एग्ज बोलेंगे, एक्स या एग्ज इस तरह से बोलेंगे, एक्स या एग्ज। दूसरा बात कि टी को ट तो बोल चसा कैसे बोल, जैसे टी यू आर ई को बोलते हैं चर, टी टी यू सॉरी एल को बोलते हैं चुअल, उसके बाद टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई एल को बोलते हैं सी एल। ये सब वर्ड मीनिंग मैंने, ये सब सफिक्स पार्ट है, मैंने पहले ही बता दिया कैसे वर्ड पढ़े जाते हैं। चलिए दोस्तों, वोवेल्स को हमेशा आपके दिमाग में रहना है, और ये इसका प्रैक्टिस कैसे करना है इसको देखिए। जैसे ए, इसे क्या पढ़ते हैं, आप कहेंगे ए, यहाँ पर ए कहाँ लिखा हुआ, तो ये एक एक लिखा हुआ है, लेकिन क्या वर्ड मीनिंग में, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया एम ए, एम ए डबल एस, अब ए को ए पढ़ेंगे तो क्या यहाँ मेस नहीं पढ़ा देंगे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे इसको, शुद्ध है मास, यानी कि आ का उच्चारण हुआ है। अगर यही ए यहाँ पर फिर से एक दूसरा स्पेलिंग लिख देते हैं इस तरह से, तो ये वर्ड मीनिंग क्या लिखा हुआ, तो ये आप पढ़ेंगे कि भाई फिर से पढ़ देंगे मेसेस, मैसेज, मैसेज लिख, दोस्तों ये मैसेज नहीं लिखा हुआ, ये है मसाज लिखा हुआ, यानी कि पहला ए जो है वो अ लिखा उच्चारण हो रहा है, दूसरा ए जो है वो आ उच्चारण हो रहा है, मसाज। दूसरा देखिए ई क्या लिखा हुआ, ई कहीं ई दिख रहा है, तो ये ई है, ये ई, कोई अंतर नहीं है उच्चारण में, लिखंत में अंतर है लेकिन बोलने में कोई अंतर नहीं होता। अब ई है, अब ले लेंगे ऐसे एम ई एन, क्या पढ़ेंगे मीन, नहीं दोस्तों इसे मेन पढ़ेंगे, ए का उच्चारण आ रहा है, यहाँ पर ए का उच्चारण आ रहा है ना, या अब कह देते हैं पी ई आर, क्या हो रहा है पेर, पीर, पीर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर आ का उच्चारण आ रहा है पर, क्या उच्चारण है पर, है ना। चलिए दूसरा देखिए आई, आई को क्या बोलेंगे, उच्चारण तो कर, ये क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे आई, यहाँ पर आई ये यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो क्या एस आई आर को क्या बोलेंगे, सायर, यहाँ आई का उच्चारण अ के रूप में बनाने अ, सर,
चरस सर। फिर देखिए ये क्या लिखा हुआ, तो ये है दोस्तों ओ लिखा हुआ, लेकिन क्या इसे आप क्या पढ़ते हैं? आप इसे कुछ ही पढ़ सकते हैं ना, एस ओ एन सोन, नहीं वो आ उच्चारण है सन, सन एस डबल ओ एन करते हैं तो क्या होता सून, एम एन डबल ओ एन मून, या सी ओ एन क्या होता कन। यू को देखिए क्या बोलते हैं यू, तो बताइए एस यू एन को क्या बोलेंगे, स्यून, नहीं सन, यू का उच्चारण यू और सन। या टी यू एन ई को क्या बोलेंगे ट्यून, तब ये यू आता है। डबल ओ को क्या क्या बोलते हैं, डबल ओ का उच्चारण दोस्तों बड़ यू के रूप में होता है, लेकिन और भी वर्ड बिंग तो है, जैसे एफ एल डबल ओ डी क्या उच्चारण रहा डबल ओ का आ के रूप में, फ्लड है ना। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखनी है, तो खासकर घर के महिलाओं को जिनको आप उनके पे जिम्मेवारियाँ हैं बहुत सारी, खासकर अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगी बता पाएंगी समझा पाएंगी। और देखिए नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जरूरी है, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर दे दिया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।